हैप्पी इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई एम प्रोफेसर अनंत कुमार दास। जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं टॉप 6 सजेशंस देने जा रहा हूँ आवर रेस्पेक्टेड एंड ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को, और उसके तहत मैं 2 सजेशंस का वीडियो बना चुका हूँ, अपलोड कर चुका हूँ। आज मैं थर्ड सजेशन देने जा रहा हूँ अपने प्राइम मिनिस्टर को, जिनको मैं मानता हूँ कि वो ऑलरेडी 7 ईयर से स्ट्रॉन्ग नेशन, इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनाने की तरफ अग्रसर हो चुके हैं, क्योंकि वो खुद एक बहुत ही ईमानदार आदमी है, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर वाले हैं और स्ट्रॉन्ग इंटेंशन वाले हैं। मैं भी एक बहुत ईमानदार आदमी हूँ, मुझे याद नहीं आता कि मैंने कभी किसी के साथ 1 रुपये की बेईमानी नहीं की है। इस बात का मुझे गर्व भी है, घमंड भी है, इसलिए मैं चाहता हूँ। और इसलिए मैंने 25 साल के रिसर्च के बाद मुझे एक ऐसा ईमानदार आदमी मिला है। उस वक्त मैं पैदा नहीं हुआ था जब हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी थे, मुरारजी देसाई जी थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी को मैं सजेशन नहीं दे पाया उस वक्त। मुझे इतना पॉलिटिक्स समझ में नहीं आता था, तो मैं बहुत अनफॉर्चुनेट रहा कि उनके रहते भी मैं उनको अच्छा ईमानदार आदमी के रहते भी मैंने उनको सजेशन नहीं दे पाया। बट आज मुझे मौका मिला है, तो आज मैं ये तीसरा सजेशन मैं अपने रेस्पेक्टेड ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, जिनको मैं मानता हूँ कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऑलरेडी जो बेस बना हुआ था उस बेस को और मजबूत कर रहे हैं और करते ही रहेंगे जब तक वो प्राइम मिनिस्टर के रूप में हमारे देश में रहेंगे। आज उनको मैं बताने जा रहा हूँ कि ऑलरेडी वो इनिशिएटिव ले चुके हैं मेक इन इंडिया का। आज थर्ड सजेशन है कि मेक इन इंडिया वर्सेस मेड इन इंडिया। हमारे देश की जनता बहुत कंफ्यूज है कि मेड इन इंडिया क्या होता है, मेक इन इंडिया क्या होता है। मैंने बहुत सरल शब्दों में आप लोगों को समझाने की कोशिश की है देश की जनता को। सबसे पहले आप लोगों से नम्र निवेदन है, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को पढ़ने की कोशिश मत कीजिए, जो लिखा हुआ उसको पढ़ने की कोशिश अपने आप से नहीं करिए, क्योंकि आपको कुछ समझ में ऐसे नहीं आएगा। वेट करिए कि मैं इसको एक एक करके बताऊंगा कि ये क्या है, और उसके बाद वीडियो को पॉज करके इस पर मनन करिए, इस पर थिंकिंग करिए कि मैंने क्या बताया। अगर लॉजिक सही लगे तो सब्सक्राइब नहीं करना भूलिएगा, सो दैट कि आने वाले दिनों में सारे सजेशंस आपको मिलेंगे। 70-80 वीडियो ऑलरेडी उस पर अभी है मेरा यूट्यूब चैनल पे, आने वाले दिनों को उस पर 500 से ऊपर वीडियो होगा, वो सब आपको देखने को मिलेगा और वर्ल्ड क्लास लर्निंग देखने को मिलेगा। जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनको मैं ये बता दूं कि अगर इंग्लिश शुरुआत से सीखनी है तो उस पर ऑलरेडी मैं एक्सप्लोर इंग्लिश के अंदर मैं एक सीरीज शुरू कर चुका हूँ, उसको भी देखना नहीं बोलना। और आपको लॉजिक पसंद आए किसी भी वीडियो का तो उसको सब्सक्राइब जरूर करना है और शेयर करना है, सो दैट लाखों लोगों तक उसकी लर्निंग पहुंचे और लोगों का भविष्य सुधर सके। तो चलिए मैं बताता हूं कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को थर्ड सजेशन जो मैं देने जा रहा हूं, तीसरा सजेशन सुझाव वो है कि मेक इन इंडिया वर्सेस मेड इन इंडिया। सब लोग कन्फ्यूज हैं कि क्या है, वो बार बार कहते आ रहे हैं कि मेक इन इंडिया करना है और मेड इन इंडिया करना है, क्या करना है उनकी बात को समझना है। मेक इन इंडिया का सीधा सीधा मतलब होता है कि जब हमारे देश में ये मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट शुरू होगा या हो चुका है अभी, तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा। एक्सपोर्ट बढ़ने का मतलब होता है सीधा सीधा कैश इनफ्लो, मतलब हमारे देश में पैसा आएगा, मैक्सिमम पैसा हमारे देश में आएगा। किसके माध्यम से आएगा? मनी, मैन पावर, मेथड, मटेरियल, मशीनरी। इसको हम मैनेजमेंट में 5 M's ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं। सब खेल इसी पांचों का है। ये पांचों चीजें जब हमारे देश में ही रहेंगी, हमारे देश में ही टेक्नोलॉजी को ये किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। कैसे बढ़ाया जाएगा? इन्वेंट इन इंडिया होगा, इनोवेट इन इंडिया होगा, डिस्कवर इन इंडिया होगा। जब ये तीनों चीजें यही हमारे देश में होगी और उस चीज को यहाँ बना के डेवलप करके है ना, सब चीज असेंबल करके उसको फिर बेचा जाएगा बाहर की दुनिया में। 210 कंट्री है पूरे वर्ल्ड में, उसमें 190 कंट्री जो है रिपब्लिक है, रिपब्लिक का मतलब गणतंत्र है, और जो रेस्ट कंपनी है वो सिर्फ इंडिपेंडेंट है, अभी तक गणतंत्र नहीं बना है, लेकिन मार्केट सब जगह है। तो नेचुरली हम सब बनाएंगे, अपने देश में बनाएंगे, और उसमें मेक इन इंडिया का लेवल रहेगा। और वो मेक इन इंडिया तभी संभव है जब इन्वेंट भी हमारे देश में होगा। इन्वेंशन का मतलब किसी भी चीज को, नए चीज को खोजना, क्रिएटिंग समथिंग न्यू फॉर द फर्स्ट टाइम है ना, इनोवेट, उसको फर्दर प्रोसेसिंग, वर्क इन प्रोग्रेस जिसको बोलते हैं, सेमी फिनिश गुड्स, और फिर फिनिश गुड्स के रूप में डिस्कवर इन इंडिया, पता लगाना कि कहाँ कहाँ हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे हम इंग्लिश में पढ़ाते हैं एक्सप्लोर इंग्लिश, कहाँ तक हम पढ़ा सकते हैं, तो कहाँ तक खोज सकते हैं। एक्सप्लोर इंडिया बहुत बड़ा हमारा देश है, खोजना है क्या क्या चीज में हम आगे बढ़ सकते हैं। एक नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इंडिया डेवलप्ड कंट्री है, अंडर डेवलप्ड है या डेवलपिंग है या कुछ और है।
तो हमारे देश में मेक इन इंडिया के लिए हमारे रेस्पेक्टेड ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑलरेडी शुरुआत कर चुके हैं, और इसको उनको सिर्फ इसी पे फोकस करना चाहिए क्योंकि ये हमारा एक्सपोर्ट है, और जो एक्सपोर्ट है उसका सीधा सीधा मतलब होता है कैश इनफ्लो। लेकिन आज 75 सालों से क्या हो रहा है, मेड इन इंडिया। मेड इन इंडिया का मतलब है कि ये पांचों चीजें जो आप देख रहे हैं ये सब बाहर से आ रहा है, इंपोर्ट हो रहा है, और इंपोर्ट का सीधा मतलब होता है कैश आउटफ्लो। और हमारे देश का कैश आउटफ्लो 82% है आज की डेट में। आप लोगों को जान के हैरानी भी होगी और शॉकिंग भी होगा आप लोगों के लिए। और जो इंपोर्ट है वो सिर्फ 52% है। हमारे देश का BOP बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है 82 माइनस 52, 30% माइनस में है। हमारा डिफिसिट फाइनेंसिंग है हमारे देश का, और 1% GDP का 60,000 करोड़ रुपीस होता है, उसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आज हमारा देश कहाँ जा रहा है, कहाँ गलती हुई है हमसे। इसलिए आप आज आपने ये डिसीजन लिया है सर, मैं अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को एक ही बात बोलूँगा कि आप इस पर एकदम अड़िग रहिए, एकदम स्ट्रांग रहिए, हिलना नहीं किसी के भी कहने से। मैं जानता हूँ आपको एंगर मैनेजमेंट पर जबरदस्त कंट्रोल है, मैंने आज तक ऐसा आदमी नहीं देखा जिसको आपके बारे में लोग क्या नहीं बोलते हैं, अपोजिशन वाले हों चाहे कोई भी हो, कितनी आपको उल्टा पुल्टा बोला उसके बाद भी आप उनको रिएक्ट नहीं करते हैं, एक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि आप मान के चलते हैं कि कुत्ता भौंके हजार हाथी चले बाजार, इस प्रिंसिपल पे आप काम करते हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपका एंगर मैनेजमेंट एकदम कंट्रोल में है, आपका एंगर आपके कंट्रोल में है, इट्स वेरी नाइस। इसलिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ, मैं अपने फ्रेंड्स फैमिली को, आपका बहुत स्ट्रांग करेक्टर है, बहुत स्ट्रांग इंटेंशन है कि इस देश को एक स्ट्रांग नेशन बनाना है, इसलिए आप इस पे एकदम फिक्स रहेंगे, स्टेबल रहेंगे, आप किसी भी कीमत पे अपने आप को चेंज नहीं करना, क्योंकि ये एक्सपोर्ट है हमारा, और एक्सपोर्ट हमारा ये 52% हमको ये 82% करना है, 90% करना है, 100% करना है, और इसको जितना कम कर सके इंपोर्ट को वो सबसे बेस्ट होगा हमारे पास। हम सिर्फ एसेंशियल आइटम का ही इंपोर्ट करेंगे, वो भी जरूरत होता, हमारा देश ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम नहीं बना सकते हैं, नहीं डेवलप कर सकते हैं, ये बात हमको समझना है कि वो तभी होगा जब इन तीन चीज़ों पे हम फोकस करेंगे, इन पांच चीज़ों के माध्यम से, जो कि अभी नहीं हो रहा है, अभी तक मेड इन इंडिया हो रहा है, जो कि इंपोर्ट हो रहा है सब चीज़, टेक्नोलॉजी के रूप में, मैन पावर के रूप में, मेथड के रूप में, मटेरियल के रूप में, मशीनरी के रूप में, सब चीज़ बाहर से यहां बनता है, सारा परसेंटेज वो लेके जाते हैं, मैक्सिमम परसेंटेज हम लोग हमारे पास से 20% रहता है, वो 80% लेके चले जाते हैं और जाके बाहर बेचते हैं, हमारा ही चीज सब कुछ, रॉ मेटेरियल उनका, मजेदार बात देखिए, रॉ मेटेरियल उनका, फिनिश गुड उनका भी उनका, मतलब रॉ मेटेरियल 10 रुपए का चीज को वो 100 रुपए में बेच रहे हैं, वो भी उनका, और हमें सिर्फ लॉलीपॉप थमा के चले जाते हैं, 5 रुपए देके चले जाते हैं। तो आपसे नम्र निवेदन है कि आप इस चीज को नहीं छोड़िएगा हमारे देश की जनता के बिहाफ पे, और इस चीज को जितना कोशिश करिए बंद करने का, जितना जल्दी बंद हो सके तो बहुत अच्छा है, या फिर एकदम 10% पर सिर्फ लेके आ जाइए कि इम्पोर्ट सिर्फ 10% रहे और हमारा एक्सपोर्ट जो है 90% रहे, तो उससे क्या होगा कि हमारा 80% प्लस डिफिसिट हमारा फाइनेंसिंग नहीं होगा, वो प्लस डिफिसिट होगा। हमारा GDP जो आज $3 trillion है, आप उसको 5 trillion बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको मैं बता दूं कि जो 25 साल का मैंने रिसर्च किया है, आप विश्वास नहीं करेंगे, हमारे देश में $25 trillion पैसा है, 25 trillion है हमारे देश में, 25 trillion, जो आप 5 trillion की बात करें, 25 trillion रुपीज तो ऑलरेडी हमारे देश में है। आप सर्च करिए, आपने जितने भी बड़े बड़े सलाहकार आपने अपने पास रखे हुए हैं उनको बोलिए, फाइंड आउट करो कैसे इकोनॉमिस्ट करते हो तुम लोग, ऐसा पूछिए उनसे, क्या पढ़े लिखे हैं। मैं एक सिंपल प्रोफेसर हूँ, मैं जानता हूँ, आज 25 साल का रिसर्च के बाद मैं जानता हूँ कि हमारे देश में 25 ट्रिलियन पैसा है, उस पैसे को सही यूटिलाइज करें, देखिए हमारा देश कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा, जो आपने सपना देखा है एक स्ट्रांग नेशन बनाने का, इंडिया को नंबर 1 कंट्री सब चीज़ में, वो तभी हो सकता है जब ये आप मेक इन इंडिया पे एकदम स्टेबल रहेंगे, हर हालत में इसी को करना है, क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट है, और एक्सपोर्ट बढ़ाना है 90% लेकर आना है, और इम्पोर्ट को उसको घटा कर 10% प्लेस होकर 80% हमारा प्लस होगा, डिफिसिट वाला वो कहीं वर्ड ही नहीं आएगा, और जैसे ही 80% होगा हमारा इन्फ्लेशन एकदम क्रीपिंग इन्फ्लेशन में आ जाएगा रेंगते हुए,
जैसे ही क्रीपिंग इन्फ्लेशन में आएगा हमारा देश का सारा प्राइस, हमारा एक्सपोर्ट का सब बैलेंस्ड हो जाएगा, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट सब कंट्रोल में आ जाएगा। इतना इकोनॉमिक्स तो एज ए प्रोफेसर मैं बहुत अच्छी तरह समझता हूँ, बच्चों का इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, 25 सालों से पढ़ा रहा हूँ, तो हम लोग ये सब चीज़ों को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। इससे क्या होगा, जैसे ही आपने मेक इन इंडिया किया आपका फुल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में पैसा लगना शुरू हो जाएगा, 100% एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा आपके अपने ही देश के स्किल्ड वर्कफोर्स के लिए और अनस्किल्ड वर्कफोर्स के लिए। हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें विदेश की तरफ जो भागते रहते हैं हमेशा, हमेशा प्रयास करते रहते हैं कि घर द्वार बेच के, जमीन जगह बेच के हम विदेश भागने को लगे रहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ हमारे देश में अभी भी वो पैसा हमें नहीं मिलता है। अगर हम पढ़ लिख लें तो हमें चाहिए ज़्यादा पैसा, ज़्यादा पैसा के लिए हमें ज़्यादा मेहनत करवा लीजिए मंजूर है, लेकिन पैसा तो मिलना चाहिए हम दूसरों के लिए काम करते। नासा में, अमेरिका में 40% भारतीय हैं, सिर्फ इसी वजह से कि उनको उनका मनचाहा पैसा नहीं मिलता जिस हिसाब से उसने क्वालिफिकेशन लिया है, उन्होंने टेक्निकल ट्रेनिंग ली है, एडिशनल क्वालिफिकेशन लिया है। क्यों नहीं हम उस पैसे को यहाँ जनरेट करें, जैसे कि हमारे देश का लोग सब यहाँ रुके। ब्रेन ड्रेन नहीं चाहिए, ब्रेन गेन चाहिए, तो उनको यहाँ रुकना होगा हर हालत में। और वो तभी रुकेंगे जब उनको वो मनचाहा पैसा यहाँ मिलेगा, और वो संभव है। आप ये एक चीज़ करिए, देखिए अगले 5 साल में हमारा कंट्री कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। सिर्फ आपको स्टेबल रहने की जरूरत है, क्योंकि आप मेजोरिटी में, आपके गवर्नमेंट को कोई नहीं गिरा सकता, वेरी सिंपल। सो मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आपको मेरी बात, मेरी लॉजिक सही लगी तो आप उसको इम्प्लीमेंट करके देखिएगा और उस पर अड़िग होकर रहिएगा। ये मेरे रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, और मेरे देश की जनता से भी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अगर लॉजिक सही लगी तो सब्सक्राइब करिए, उसको शेयर करिए, लाखों लोगों तक पहुँचाइए। बहुत अच्छी लर्निंग है। और बिल्कुल सजेशन देना चाहते हैं तो YouTube के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिख के दीजिए कि इसको भी हम वीडियो के माध्यम से मैं पहुँचा सकूँ, मैं उस पर भी वीडियो बना के आप लोगों के बिहाफ में अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के पास पहुँचाने की कोशिश करूँगा। सो थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू, द हैप्पी वीकेंड।